अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? इज इट क्लियर? ओके, सो हाउ आर यू ऑल? Okay, and how is the practicing going on? I'm fine, alhamdulillah. Has everyone downloaded Illustrator? Okay, so did you guys enjoy making the cube? Okay, so let's enjoy more. Okay, so let's create our today's assignment. Okay, let's start our session. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First, let me show you your assignment. Okay. Agar aapka trial, agar yahan pe aapko cloud show ho rahe hai na, with blue sign, means that is a trial version. Agar aapko is tarah ka cloud show ho rahe, with frost, means it's a crack version. Okay. Clear now? The one who asked, okay, about the trial and track version. All right, so this is your today's assignment. Okay, so we are gonna basically focus on how to make shapes and use different basic tools, okay? क्या चीज रिपीट है? अभी मैं सिंपली ये बताया कि जिनका क्रैक वर्जन डाउनलोड होगा वो इस तरह का उन्हें क्लाउड शो होगा, ओके, और जिनका क्रैक वर्जन नहीं होगा यहाँ पे आपको क्या कहते हैं एक बटन शो होगा विद ब्लू दैट सेज कि आपका वो ट्रायल वर्जन है, ओके. ऑलराइट, सो लेट्स क्रिएट आवर आर्टबोर्ड फर्स्ट. अब आर्टबोर्ड क्रिएट करना है सिंपली आपने न्यू क्रिएट न्यू पे जाना है. जैसे हमने क्यूब का क्रिएट किया था सेम हमने आज बड़ी असाइनमेंट का भी करना है. ओके, व्हाट इज इट? सिंपली आपने यहाँ पे पिक्सेल सेलेक्ट करना है एंड देन सेलेक्ट द साइज दैट इज 1080 by 1080 एंड पोर्ट्रेट मोड वही रहेगा एंड सेम गोज विद द कलर मोड दैट इज आरजीबी. अब आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा दैट मींस इट्स अ क्रैक वर्जन, ओके, एंड देन सिंपली क्रिएट. Alright, so आपका आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया एंड नाउ हम यहाँ पे अपनी असाइनमेंट को पेस्ट करते हैं. कोई भी इमेज को कैसे पेस्ट करना था सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ गई. सो ताकि मैं साथ साथ ये साइड पे रख रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो कि हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं असाइनमेंट को. ओके, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके, जिनको नहीं आ रही वो अपना माइक रिकनेक्ट करें. All right. Okay, so अब हमने first basic shapes से start करते हैं. Okay, so first हमने कैसे square create किया था, rectangle tool select किया and then shift के साथ हमने एक square create कर दिया इस तरह से. Okay, और अब हमने इसके अंदर color fill करना है. So can anyone tell me कि हमने कौन से थ्री ऑप्शंस देखे थे कलर फिल करने के? कौन से तीन ऑप्शंस थे कलर फिल करने के हमारे पास जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे? ड्रॉपर, आई ड्रॉपर, एग्जैक्टली, कलर कोड, यस, एंड लास्ट वन कलर कोड, यस, कलर मोनोक्रोमेटिक, दैट वाज अ स्कीम, कलर स्कीम. ओके, आई ड्रॉपर था एक हमारे पास और कलर कोड था और जो सबसे पहला वाला कौन सा था? फिल एंड स्ट्रोक, बेसिकली फिल बकेट. एग्जैक्टली, फिल बकेट पे हमने क्या करना है, जाके डबल क्लिक करना था. ओके, क्या था हमारे पास, यहाँ पे जाके हमने क्या करना था, डबल क्लिक करना था. तो अभी यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट कर लेना था इस तरह से. ओके, ये हमारे पास था, यस, आई ड्रॉपर, कलर कोड एंड फिल.
एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, हम यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह आई ड्रॉपर टूल यूज करके हमने इसके अंदर कलर फिल कर दिया। तो हमने आप जो शेप क्रिएट करनी है उसमें आपने सिर्फ फिल के अंदर कलर करना है, बाकी आपने स्ट्रोक को एम्प्टी रखना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट शेप क्रिएट करनी है हमने, तो वापस से शेप पे जाना है और फिर राइट क्लिक करना है एंड देन राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना है, ओके। एंड देन फिर अब यहाँ पे आपने इनकी साइज जो है वो इक्वल होने चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करें, एक तो ऑप्शन है कि आप सिंपली सिंगल क्लिक करें तो एग्जैक्ट शेप का साइज आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, जितना प्रीवियस था उतना इस तरह से आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने, सिंपली देखें, हमने एक नेक्स्ट शेप सेलेक्ट की ना, ठीक है, तो जो ऑलरेडी जो प्रीवियस शेप है उसका साइज उसने मेजर रखा हुआ है, ठीक है, उसने बाय डिफॉल्ट सेव कर लिया प्रीवियस शेप का साइज। जब आप सिंगल क्लिक करेंगे देखें तो सेम वही आपको साइज आएगा जो आपके पास प्रीवियस शेप का, इस तरह से, ओके। सो ये हमारे पास एक स्क्वायर था और एक ये राउंडेड है, ये देखिए कहाँ से राउंड हुआ है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एक्लिप्स टूल। एक्लिप्स टूल भी हमने सेम क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है, ओके करें तो सेम, अब वो यहाँ पे उसने साइज चेंज कर लिया क्योंकि उसने उसको पिक कर लिया, ओके। सो हम क्या करते हैं, इसको खुद क्रिएट करते हैं। हमने अब कैसे क्रिएट करना है, खुद यहाँ पे हमारे पास गाइड है शो हो रही है, राइट, स्मार्ट गाइड। तो आपने कहाँ से स्मार्ट गाइड को अकॉर्डिंग, अब आपने यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है और माउस को शिफ्ट के साथ ड्रैग करना। अब तब तक आपने ड्रैग करना जब तक अब तक दूसरी स्मार्ट गाइड ना शो हो, ठीक है। एक हमें ऊपर शो हो रही थी ये, ठीक है, अब यू कैन सी के अब ये इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, राइट। सो अभी दोनों के साइज जो है वो इक्वल हो गए इस तरह से, ऑलराइट। हमने शिफ्ट के साथ करना आपने क्रिएट। फिर हमारे पास है पॉलीगॉन टूल। अब पॉलीगॉन टूल भी सेम आपने वैसे ही, यहाँ पे स्मार्ट गाइड शो हो रही है, शिफ्ट प्रेस करना और फिर ड्रैग करना। अब वो ऊपर ड्रैग हो रहा है तो आपने करना यहाँ पे हाफ पार्ट पे आना है। अब यहाँ ये हाफ पार्ट शो हो रहा है और फिर अब इसको हमने यहाँ पे सेट कर देना इस तरह, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टूल। स्टार टूल को भी सेम स्मार्ट गाइड के अकॉर्डिंग हमने इसको क्रिएट करना, शिफ्ट एंड ड्रैग लाइक दिस और फिर यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सेट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे वापस हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने सारी शेप्स जो हैं वो क्रिएट कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी शेप है जो हमने क्रिएट नहीं की है, बेसिक शेप कौन सी है वो तो हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे हमने एक से दोनों टाइप्स के सर्कल कर दिए, स्क्वायर कर दिया, फिर सर्कल, पॉलीकॉन एंड स्टार जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ पे कौन सी ऐसी कॉमन शेप है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम वो खुद हमने क्रिएट करनी है। कैन एनीवन गेस, ट्राइंगल, एग्जैक्टली, ओके। सो ट्राइंगल क्रिएट करने का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरीका है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से पॉलीगॉन टूल को पिक करना है, ठीक है। आप पॉलीगॉन टूल जब आप पिक करें तो आपने ड्रैग करके क्रिएट नहीं करना क्योंकि वो तो पॉलीगॉन ही क्रिएट होगा। आपने सिंपली सिंगल क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन की जो साइड्स थी वो 6 थी, राइट। सो ट्राइंगल कितनी साइड्स होती हैं, हाउ मेनी साइड्स ट्राइंगल हैव, 3, एग्जैक्टली, राइट। सो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से उसको डिलीट करना है 6 साइड्स को और फिर यहाँ पे 3 लिख के एंटर करते हैं, एंटर कर दें, ओके कर दे की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ट्राइंगल क्रिएट हो गया, ऑलराइट। सो हमने यहाँ पे ट्राइंगल सेट कर दिया और इस तरह से आप ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है सबको। क्या करना है, पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिंगल क्लिक करना है, पैनल ओपन होगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसको आपने 3 करना है एंड देन एंटर कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सी मर्जी शेप के आप कॉर्नर, जितने मर्जी कॉर्नर आप यहाँ पे ऐड कर ले उस हिसाब से फिर वो शेप क्रिएट हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे 8 कर लें तो ये हेक्सागोन क्रिएट हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से आपने जितनी मर्जी आपने साइड्स करनी है आप वो साइड्स क्रिएट कर लें, ओके। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे हमने ये ओवरऑल शेप क्रिएट कर ली, सारी बेसिक शेप्स हमने क्रिएट करनी। अब क्या करना है, आपने इन सबको सिलेक्ट करना है और फिर इनका साइज डिक्रीज करना है। आपने आर्टबोर्ड का साइज नहीं इंक्रीज करना, आपने अपने शेप्स का साइज डिक्रीज करना है। आपने ओवरऑल सेलेक्ट किया फिर शिफ्ट के साथ आपने इनका साइज इस तरह से डिक्रीज कर देना, ओके, ताकि आप उन्हें अपने आर्टबोर्ड में सही तरह से सेट कर सकें,
ओके अब कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर नीचे भी सेट क्रिएट हो सकती हैं, तो आपने क्या करना है, ओवरऑल इन्हें सेलेक्ट करना है ताकि आप इनको सेंटर अलाइन कर सके, बीच में सेट कर सके. ओके एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में कर सके, सेंटर अलाइन मीन स्ट्रेट लाइन में आप उसे सेट कर सके. तो आपने क्या करना है, उसके लिए ओवरऑल शेप्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है. फिर आपके पास यहाँ पे अलाइन शो होगा, ठीक है. यहाँ पे एक अलाइन पैनल आपको ओपन हो जाएगा प्रॉपर्टीज के यहीं पे. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको ये वेक्टर अलाइन सेंटर शो होगा, वही सेंटर अलाइन शो हो रहा है. आपने इस पर क्लिक करना है तो वो इस तरह से सेंटर अलाइन हो जाएगा. तो यहाँ से आप इस तरह से सेट कर दें इसे, ठीक है. क्लियर है आप सबको? सर्कल कैसे क्रिएट किया देखे, सिंपली आपने यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया, ठीक है. तुमने क्या किया था यहाँ पे, हमने अकॉर्डिंग टू दिस शेप किया था पिक, राइट. यहाँ पे इस तरह ये हमने इस सर्कल शेप के साथ क्रिएट कर दिया. ओके ये क्रिएट होता है सर्कल, सेम जैसे हमने स्क्वायर क्रिएट किए हैं बाकी सारी शेप्स के, सारी शेप्स एक जैसी क्रिएट होंगी एक्सेप्ट ट्राइंगल. ओके यहाँ तक सबको क्लियर है शेप्स का? शुड वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट शेप, नेक्स्ट डिजाइन? ओके सो आवर नेक्स्ट डिजाइन इज पैटर्न. अब पैटर्न हमने कैसे क्रिएट करते हैं, कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कॉपी? मैंने कौन सी की आपको बताई थी कॉपी करने के लिए, ऑल्ट, एग्जैक्टली. ओके सो हमने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है यहाँ पे. फर्स्ट लेट्स क्रिएट अ शेप, पॉलीगॉन टूल हमने लेना है, तो यहाँ पे हमने 8 सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम वापस से 6 कर लेते हैं एंड देन ओके. अब हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन शेप क्रिएट हो गई. तो आपने क्या करना है, कंट्रोल सी एंड वी, एग्जैक्टली हम दोनों ये भी यूज कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे पॉलीगॉन की शेप को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, विद शिफ्ट. इस तरह से हमने इसकी शेप को डिक्रीज किया. अब हमने क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है. हम यहाँ पे एक सी वाला यूज नहीं करते, हम यहाँ पे ऑल्ट यूज करेंगे. वो क्यों यूज करते हैं वो आपको बताती हूँ. सिंपली आपने शेप को सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करना है और ड्रैग एंड प्लेस इट. ओके अब फौरन से आपने कंट्रोल डी प्रेस करते रहना. ओके लेट मी डू इट अगेन, हमने थोड़ा सा टाइम लगाया था इसलिए. क्या करना है, ऑल्ट एंड कॉपी लाइक दिस एंड देन प्रेस कंट्रोल डी, डी प्रेस करते रहना है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉपी होता रहेगा एक ही डायरेक्शन में. ओके सिलेक्ट करके रखना आपने शेप को, कहीं आपने कोई और सिलेक्ट नहीं करना. ओके क्या किया हमने, ऑल्ट से कॉपी ली, इस तरह माउस को छोड़ देना आपने, ऑल्ट भी छोड़ देना और फिर फौरन से कंट्रोल डी प्रेस करते रहना, ठीक, कहीं और क्लिक नहीं करना आपने. ऑलराइट सो इस तरह से क्या वो उसी सेम डायरेक्शन में कॉपीज होती रही, ठीक है. तो इसलिए हमने ऑल्ट वाली ऑप्शन यूज करनी है. सो हम जितना पार्ट लाइंस चाहिए उतनी लाइंस ले लेते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं. ओके सो इस तरह हमने क्या किया, एक लाइन क्रिएट कर ली पॉलीगॉन की, ठीक है. अब इसी की हम वापस से एक और कॉपी ले लेते हैं इस तरह लाइक दिस. ओके और फिर वापस से ऑल से हमने कॉपी ले ली. ओके लाइक दिस और वापस से ऑल से कॉपी ले ली. ओके सो एक काम इजी है कि आप ऑल्ट से जब कॉपी ले रहे हो तो आप ऑल्ट प्रेस करके रखें और फिर बस माउस को सिंगल क्लिक करके छोड़ते रहें. ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ है, बस माउस को मैं क्लिक करके छोड़े जा रही हूँ तो वो कॉपी हो रही है इस तरह. ओके एक्सेस पार्ट्स को मैं डिलीट कर देती हूँ. ऑलराइट क्या किया हमने, इस पार्ट को सिलेक्ट किया, ऑल्ट से हमने इस तरह से कॉपी ले ली. यहाँ तक क्लियर है सबको, पैटर्न कैसे क्रिएट किया हमने? सो अब हमने क्या करना है, हमने हाफ पैटर्न को डार्क करना है, हाफ को लाइट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे भी मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज कर रहे हैं. ओके सो हमने क्या करना है, इस मिड पार्ट को, मिड लाइन को ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं. ओके वापस से इस मिड पार्ट को, लास्ट पार्ट को सिलेक्ट करना और फिर इस तरह से इसका कलर चेंज करते हैं. ओके एंड अब क्या करना है, ओवरऑल हमारी
क्रिएट हो गया डिजाइन, इसको सेलेक्ट करना है एंड देन राइट क्लिक ग्रुप. अब ग्रुप हमने ये क्यों किया था कि हम इसे जब मूव करें तो ओवरऑल एक साथ मूव हो. अब मैं वापस से इसे कंट्रोल जेड से अनग्रुप करती हूँ, तो ये देखें अब जब मैं इसे सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो ये सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो रहा है, राइट. तब मूव करेंगे तो वो सिंगल मूव हो रहा है जब तक मैं ओवरऑल ना सिलेक्ट कर लूँ इस तरह से. ओके सो ओवरऑल सिलेक्ट करना एंड देन इस तरह से ग्रुप करते हैं. पहले सेम आई ड्रॉपर टूल से हमने किया, सो अब इसे अनग्रुप करती हूँ. क्या करना है, मैंने इस तरह से लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर मैंने आई ड्रॉपर टूल से इमेज में से पिक कर लिया लाइक दिस. ओके क्लियर है. वापस आप इमेज से राइट क्लिक अनग्रुप, और अब हम इसका साइज भी डिक्रीज कर देते हैं. वी सेट इट here. Okay. All right. So अब next हमारे पास है rotation tool. Okay. अब rotation tool की भी यहाँ पे हमारे पास option की दो तरीके हैं, ठीक है. जो simplest हम पहले complex देखते हैं फिर simple देख लेते हैं. Okay. तब आपको ज़्यादा easy हो जाएगा. हम यहाँ पे rectangle tool से एक pillar type shape create करते हैं without shift. Okay. इस तरह. और फिर अब हम इसको जूमिंग करते हैं. ओके अब हमने क्या करना है, हमने शेप क्रिएट की, अब आपने राइट क्लिक करना है एंड देन गो टू ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट. ओके हम यहाँ पे एंगल सेट करते हैं 23, यहाँ से हम प्रीव्यू ओपन कर देते हैं. अब आपने ओके नहीं करना, आपने कॉपी करना है और फिर कंट्रोल डी प्रेस करते रहना इस तरह. ओके तो इस तरह से क्या हुआ, आपके पास ये ओवरऑल कर्व शेप क्रिएट हो गई. लेट मी शो यू दैट, यहाँ पे देखिए ये सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे कलर हमने एडिट किया, हम यहाँ पे भी कलर एडिट करते हैं तो सेम यही इफेक्ट शो हो रहा है, रोटेशन इफेक्ट. ये जो आपको शो हो रहा है रोटेशन इफेक्ट, यहाँ पे भी सेम वही शो होता है. अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक शेप को सिलेक्ट करते हैं फिर एक छोड़ के दूसरी शेप को करते हैं. अब वो हमने कैसे किया, जब आपने एक शेप को सिलेक्ट करना होता है, दो तीन शेप्स को एक साथ सिलेक्ट करना होता है, तो आप शिफ्ट के साथ करते हैं. ओके लेट मी रिपीट दिस पार्ट. क्या करना है, आपने रेक्टेंगल टूल से एक पिलर टाइप शेप क्रिएट करनी है लाइक दिस. ओके और फिर आपने राइट क्लिक करना है एंड देन गो टू ट्रांसफॉर्म देन रोटेट. और फिर यहाँ से आपने एंगल सेट किया और फिर यहाँ से प्रीव्यू ओपन किया एंड देन copy and press control D, press करते रहें control D जब तक वो overall curve ना हो जाए. okay अब ये पूरा curve हो गया. अब क्या करना है, आपने एक shape को select करना है और फिर shift के साथ दूसरी shape को select करना है again, फिर इस तरह से एक छोड़ के एक एक shape आपने shift के साथ select करनी है. और फिर हम यहाँ से इसका eyedropper tool से इसका color change कर देते हैं. तब यहाँ पे देखा आपको rotation effect show हो रहा है यहाँ पे, right. यहाँ तक clear है सबको. ओके अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. एक तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है, और जो नेक्स्ट है हम यहाँ पे स्टार टूल पिक करते हैं. ओके शिफ्ट के साथ हमने एक स्टार क्रिएट किया, ठीक है, एंड एक और मैंने आपको दो तरीके बताए थे ना कॉपी के, एक तो आप कंट्रोल सी से कर सकते हैं और ऑल से कर सकते हैं, और आप यहाँ एडिट पे जाएं एंड देन कॉपी. ओके वापस आप एडिट पे जाएं एंड देन पेस्ट इन प्लेस. अब हमने पेस्ट इन प्लेस से क्या होता है कि जहाँ पे कॉपी किए वहीं पे वो पेस्ट हो जाता है. अब वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास अभी पेस्ट वाइज का कलर चेंज कर देते हैं और फिर मैं आपको शो करती हूँ. ये देखें यहाँ पे हमने ये कॉपी किया था, हमने पेस्ट इन प्लेस किया तो उसी के ऊपर दूसरे स्टार कॉपी हो गया, ठीक है, कंट्रोल जेड से वापस सेट कर देते. अब एक तो हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं और एक हम यहाँ पे देखें, आप जब साइड पे आएंगे ना थोड़ा सा सिलेक्शन के साइड पे, तो उस पर आप सिंगल क्लिक करके इस तरह से रोटेट कर सकते हैं. वापस से हम क्या करते हैं, शेप को सिलेक्ट करते हैं एंड वापस से पेस्ट इन प्लेस और फिर इसे इस तरह से रोटेट करते हैं. इस तरह से भी आप रोटेट कर सकते हैं, वापस से एडिट पेस्ट इन प्लेस, उसका कलर चेंज कर देते हैं, सिलेक्शन से सेलेक्ट किया और फिर इस तरह से रोटेट कर दिया.
सो इस तरह से भी आप रोटेट कर सकते हैं. ऑलराइट, क्लियर है सबको? अब ये दो तरीके थे आपके रोटेट करने का. जो जो आप शेप क्रिएट करते रहे उन सबको आप ग्रुप करते रहे साथ साथ, ताकि आप जब उन्हें मूव करें तो वो ओवरऑल एक साथ मूव कर सके. ओके, इस तरह से हमने ये दोनों शेप्स को सेट कर दिया. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम दो शेप्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं और ज्वाइन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सो इस तरह हम पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करते हैं एंड देन शिफ्ट के साथ हम एक पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट किया एंड देन आपने इसकी कॉपी ले लेनी है. ऑल्ट से हम यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं. इस तरह आपने कॉपी लेनी है कि वो ओवरलैप करे हाफ पार्ट उसका. ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो देखे ओवरलैप कर रहा है वो. राइट, तो आपने उसके बाद क्या करना है, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है. आप चाहते हैं जो पार्ट है ये आपस में जो शेप्स है दो ये ज्वाइन हो जाए आपस में. अभी देखिए अलग अलग सिलेक्ट हो रही है ना, बट आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए, तो आपने उसके लिए क्या करना है, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है एंड देन गो टू शेप बिल्डर टूल. ये देखें यहाँ पे शेप बिल्डर टूल है, इसको सिलेक्ट करें एंड देन यहाँ पे देखिए मैं दोनों शेप्स पे जब लेके आए तो एक पैटर्न शो हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये अलग पैटर्न क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दो शेप्स है ना, बट ये दो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इनका जो कुछ पार्ट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में. ठीक है, सो आपने क्या करना है, इसी इंटरसेक्ट पार्ट्स के बीच में से मूव करना है. तो हम क्या करते हैं, सिंपली माउस का बटन सिंगल क्लिक करते हैं और फिर यूं मूव करते हैं. तो अब वो आपको शो कर रहा है कि जो जो आपके पार्ट थे इस तरह से सिलेक्ट होकर अब वो एक शेप बन गया वो. ठीक है, अब ये एक ही पैटर्न शो हो रहा है. सो दैट मीन्स कि अभी आपके पास शेप क्रिएट होगी. ये देखें ये एक ही शेप है आपके पास. क्योंकि इस तरह से आप दो शेप्स को क्या कर सकते हैं, आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, क्लियर है सबको? अब अच्छा, एक तो हमने अब ये देख लिया कि हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं. ओके, अब हम देख लेते हैं कि हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अगेन हम पॉलीगॉन टूल से हमने क्रिएट किया. ठीक है, वापस से हम इसकी ऑल्ट से कॉपी लेते हैं, इसको ओवरलैप करते हैं. ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू है, इसके यहाँ पे जो हमारे पास इंटरसेक्ट पार्ट है ना, जो डायमंड शेप क्रिएट हो रही है, इसको हम रिमूव कर देते हैं. ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्या किया था हमने, सिंपली शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया था और फिर ज्वाइन किया था ना आपस में इस तरह से, यूं ये ज्वाइन हो गया. ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं अंडू करती हूँ. अब मैं चाहती हूँ जो पार्ट है, जो इंटरसेक्ट पार्ट है, इसको मैं सेपरेट करूँ. तो इसको सेपरेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपको देखें एरो जो है उसके साथ आपको प्लस शो हो रहा है ना, जो एरो है इसके साथ प्लस शो हो रहा है. और जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा. माइनस मीन सब्ट्रैक्ट, राइट? सो हम यहाँ से सिंगल जब क्लिक करेंगे तो उस पार्ट को क्या हुआ, वो उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, तो इस तरह से आप कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट को, दो शेप्स को ज्वाइन करके एक स्पेसिफिक पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं. ओके, क्लियर है? अब और शिफ्ट के साथ हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं. ओके, और ये लेकिन ये ज्वाइन नहीं हुआ, ये अभी भी सेपरेट ही, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट किया ना तो ये सेपरेट ही रहेंगे, तो इनको हम खुद ही ग्रुप कर देते हैं इस तरह से. ओके, अगर अभी भी नहीं समझ आए तो इसके एक और इजी एग्जांपल मैं दे देती हूँ. अब देखिए हमने ये सर्कल क्रिएट किया. ठीक है, अब मैं जब एक और सर्कल लेती हूँ ऑल्ट से, ठीक है, एक और मैंने ऑल्ट से सर्कल लिया, तो अब मैं चाहती हूँ जो मून शेप है मेरे पास, ये सिर्फ मून शेप आए. ठीक है, इस तरह मैंने ऑल्ट से एक और कॉपी ली. यहाँ पे देखिए आपको मून शेप शो हो रही है ना, ये वाली मून शेप, आप चाहते सिर्फ ये मून शेप यहाँ पे हो, तो आपने ओवरऑल सिलेक्ट करना है इसे. ठीक है, फिर क्या करना है, हमने इसे ज्वाइन तो नहीं करना है ना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करते हैं और फिर ऑल्ट प्रेस करके इस तरह से इस पार्ट को सबको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पे मून शेप आ गई. तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स को आपस में ज्वाइन करके न्यू शेप क्रिएट कर सकते हैं या फिर उन्हें आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे टूल है इरेजर टूल. इरेजर टूल कैसे वर्क करते हैं, हमने यहाँ तक कहाँ तक वर्कआउट कर लिया, हमने यहाँ तक क्रिएट कर लिया. ठीक है, अब हम यहाँ से ये क्रिएट करते हैं. अब फर्स्ट हमने इरेजर टूल के लिए एक शेप क्रिएट की है, दैट इज एग शेप. ओके, सो एग शेप हमने कैसे क्रिएट की है यहाँ पे, कैन एनीवन टेल मी कि एग शेप कैसे क्रिएट हो सकती है? लेट मी गिव यू अ हिंट. हमने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया शिफ्ट के साथ. ठीक है, अब सर्कल में हम क्या चीज एडिट करेंगे कि एग शेप क्रिएट होगी?
कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक्लिप्स टू तो हमने क्रिएट कर लिया है ना, ओवल नहीं लाना, ओवल तो फिर वो देखे वो तो ओवल क्या होता है ऊपर नीचे, एग्जैक्टली एंकर पॉइंट, हमने एंकर पॉइंट का करना है. ओके हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे एंकर पॉइंट पे जाके डबल क्लिक करना है एंड देन ऊपर ड्रैग कर देना है सिंपली. सो क्या हुआ यहाँ पे, एग शेप क्रिएट हो गई. ओके इसी की हम एक और कॉपी ले लेते हैं. ठीक है अब हम देखते हैं कि हमारा जो इरेजर टूल है उसका क्या हुआ. ठीक है हमने शेप को सिलेक्ट किया. ठीक है यहाँ से हम इरेजर टूल पिक कर लेते हैं. अब यहाँ पे देखो आपको एक सर्कल शो हो रहा है. ठीक है अब इस सर्कल को इसका साइज हम इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं. किसी को पता है व्हाट इज स्क्वायर ब्रैकेट? कैन यू टेल मी व्हाट इज स्क्वायर ब्रैकेट? चैट में सेंड करें स्क्वायर ब्रैकेट. This is not a square bracket. This is a curved bracket. Okay, the square bracket. Yes, the one that is sent by Neha. That is a square bracket. Okay, so Neha, it was okay. So, आपने क्या करना है? आप keyboard पे आपके पास square bracket होगा. आपने उसी square bracket को use करके अपना जो eraser है उसका size increase and decrease करना. Okay, like this. अब इसका हम decrease करते हैं size like this. कभी डिक्रीज हो गया. अब आपने क्या कर लिया है इसको इरेज करना है. इरेज कैसे करेंगे हम? सिंपली आपने माउस का बटन सिंगल क्लिक करना है और फिर यहाँ से ड्रैग करना है यहाँ पे इस तरह. जिस तरह भी कर्व से आपने लेके जाने इस तरह से आप कर्व लेके जा सकते हैं लाइक दिस. अब ये जो मैंने सब इरेज किया है ना ये सब सेपरेट शेप्स हैं. अभी सेपरेट हो गई है सारी शेप. ये देखिए ये शेप एक थी ना, अब ये हम शेप्स को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके अब मैं इनका कलर भी इवन चेंज कर सकती हूँ. ओके इनको एडिट भी कर सकते हैं हम. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, इरेजर टूल में इरेजर टूल यूज करके हम स्पेसिफिक शेप को डिलीट इरेज कर सकते हैं और फिर हम इनके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हैं. ओके अब एक तो हमने इस तरह से कर्व ऑप्शन देख लिया ना. अब हमने क्या करना है, सेम हमने चाहते हैं कि स्ट्रेट हो, डायगनल हो. स्ट्रेट लाइन हमने करनी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो हमने शिफ्ट के साथ करना है. ठीक है अब मैं जब शिफ्ट प्रेस करूंगी और जब मैं इरेज करूँ तो ये स्ट्रेट इरेज होगा. इवन अब मैं अगर इसे मैं ऊपर नीचे भी लेके जा रही हूँ ना तो वो क्या हो रहा है, स्ट्रेट ही इरेज हो रहा है लाइक दिस. ठीक है और इस तरह से यूं इरेज हो गया. ओके लाइक दिस. और ऐसे यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट इरेज हुआ. और सेम इसका हम क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस. ओके इस तरह से इसका कलर चेंज कर दिया. ऑलराइट सो सबका क्लियर है यहाँ पे कैसे करना है इरेजर टूल से? बेसिकली आप डिफरेंट शेप्स को इरेज कर सकते हैं. ओके ये याद रखना जो इरेजर टूल है वो क्या कहते हैं, शेप्स पे वर्क करता है. ओके टेक्स्ट पे वर्क नहीं करेगा. मैं इसको भी साथ साथ बताऊंगी कैसे करना है. ऑलराइट ओके सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट शेप. कैन नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ वी क्रिएटेड दिस शेप? हमने ये जो अभी मैंने आपको बताया ना इन चीजों को यूज करके ये क्रिएट किए शेप. यस इसको ग्रुप कर सकते हैं सेम. ये देखें इसे ड्रैग करना और देन ग्रुप अगेन. इसको इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट करना एंड देन ग्रुप. हम इसको एक साथ मूव कर सकते हैं. ओके So I was asking कि ये शेप कैसे क्रिएट किया हमने. Yes, exactly. Komal said the right answer. हमने स्क्वायर्स को यूज करके क्रिएट किया. ओके हमने क्या करना है, स्क्वायर क्रिएट करना है. ठीक है शिफ्ट के साथ हमने ये स्क्वायर क्रिएट किया एक. ठीक है स्क्वायर क्रिएट करने के बाद आपने अगेन कॉपी एंड पेस्ट इन प्लेस करेंगे. ठीक है एग्जैक्टली निहान इज सेइंग राइट. हमने फिर क्या करना है, रोटेट कर देना है शिफ्ट के साथ. हम रोटेट कर देंगे इस तरह. ओके और फिर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं. ओके अब क्या करना है, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? कॉपी किया हमने, रोटेट किया, कलर चेंज कर दिया. नहीं इरेज नहीं करना हमने. एग्जैक्टली शेप बिल्डर. ठीक है तो क्या करना है, हमने अगेन
इसको सिलेक्ट करना ओवरऑल, ठीक है। अब हमने शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट किया, अब क्या करना है, शेप बिल्डर टूल करना है तो हमने क्या चीज रिमूव करनी है या क्या चीज को ज्वाइन करना है, कैसे करना है, दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें ये शेप है तो सेंटर माइनस एग्जैक्टली मिड पार्ट, सो हमने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और फिर सेंटर पे जाके सिंपली सिंगल क्लिक कर देना, तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू शेप क्रिएट होगी। ओके, सो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स को ज्वाइन करके एक न्यू शेप क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी स्टूडेंट्स साथ साथ जवाब दे रहे थे, आई एम ग्लैड कि आप लोग सब फोकस होकर सुन रहे हैं। इसी तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि आपने खुद आप इमेजिन कर लेते हैं कि कौन सी शेप को आपने किस तरह से सेट करना है और कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं। ओके, ऑलराइट, सो अब हम वापस इसे क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं एंड इस तरह से इसका साइज डिक्रीज करके हम यहाँ पे सेट करें, हम सेटिंग बाद में करेंगे, अभी सिंपली हम यहाँ पे इसका साइज डिक्रीज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक जो हमने सारा ओवरऑल काम किया था हमने किस पे किया था, हमने वो सारा सिर्फ फिल पे किया था, हमने यहाँ पे स्ट्रोक कहीं पे यूज नहीं किया है, ठीक है। सो आपने भी यहाँ पे फिल पे काम करना है यहाँ तक। ओके, अभी एक और चीज भी रहेगी, उसको भी हमने फिल में करना है, ग्रेडियंट को भी हम फिल में करेंगे, फिर बाकी जो वर्क है वो हम स्ट्रोक पे करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मेक अ ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के लिए फर्स्ट हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं लाइक दिस। ओके, अब जो ग्रेडियंट है वो भी फिल पे वर्क करता है, तो आपने फिल करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट टूल है, आपने इस पे जाके जब सिंगल क्लिक करना है, इस पर सिलेक्ट कर लिया, अब आपने उस शेप पे जाके क्लिक करना है जिसके अंदर आपने ग्रेडियंट लेके जाना है, आपने इस पर क्लिक कर लिया। सो अब यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। अब मैं वापस से डबल क्लिक करती हूँ एंड लाइक दिस, let me change the setting first. All right, so यहाँ पे जब मैंने सिंगल क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेडियंट आ गया आपके पास, यहाँ पे मैंने एडिट किया हुआ था ग्रेडियंट, तो इसलिए मेरे पास ये वाला शो हो रहा है। ओके, ओके, सो माय ओपेसिटी ओवरऑल कम थी इसलिए इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, सो नाउ लेट मी डू इट अगेन। क्या करना है, हमने फर्स्ट रेक्टेंगल टूल से एक शेप क्रिएट करनी है। ओके, इस तरह रेक्टेंगल शेप क्रिएट किया हमने। ओके, उसके बाद क्रिएटिंग टूल पिक करना है, यहाँ पे जाके सिंगल क्लिक कर देना। ओके, फिल करना है और फिर सिंगल क्लिक करें तो इसके अंदर आपके पास क्या हो गया, ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ओके, अब ग्रेडियंट को आपने एडिट करना है, तो वापस आपने ग्रेडियंट टूल पे जाके डबल क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल ओपन हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो ये आपको ये देखें, यहाँ पे आपके पास रेडिकल शेप है, यहाँ पे आपके पास ये लीनियर है, ये रेडियल है और फिर यहाँ पे ये फ्री फॉर्म है, मीन्स यहाँ पे आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो ग्रेडियंट। ओके, सो इस तरह ग्रेडियंट का मैं फिर बता देती हूँ, आपने एक रेक्टेंगल से शेप क्रिएट की, ठीक है, फिर ग्रेडियंट पे जाके आप इस पे जाके क्लिक कर देना, एक शेप क्रिएट की, ठीक है। इसने शेप क्रिएट की, ठीक है, फिर ग्रेडियंट क्लिक सेलेक्ट करना है टूल और फिर यहाँ पे जाके सिंगल क्लिक कर देना और फिर वापस से ग्रेडियंट पे जाके डबल क्लिक करें तो ग्रेडियंट पैनल ओपन हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट की टाइप्स आती हैं, एक जो फर्स्ट टाइप है जो आपको अभी शो रही है दैट इज लीनियर टाइप, फिर आपके पास आ जाती है रेडियल टाइप, फिर आ जाती है फ्री फॉर्म टाइप, ठीक है। सो दीज ऑल वर्क विद सेम, ओके, सारे एक साथ एक जैसा वर्क करते हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस है कि आपने कैसे कहाँ पे सेट करना है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है
रिवर्स ग्रेडियंट मीन जो आपके पास लेफ्ट पे ग्रेडियंट है वो राइट पे चला जाएगा, जो राइट पे है वो लेफ्ट पे चला जाएगा इस तरह से. ओके अब हम देखते हैं कि हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपको व्हाइट शो हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ब्लैक शो हो रही है, एक स्लाइड है ठीक है, उसके बीच में आपको एक रेंज शो हो रही है लाइक दिस. ये तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं रेंज और यहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है, दोनों साइड से आप कर सकते हैं चेंज. अब हमने इसका कलर चेंज करें तो कलर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, जो ग्रेडियंट के पास एक जो ये वाली साइड पे पॉइंट शो हो रहा है इस पर जाके जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे शो हो जाएंगे ग्रेडियंट स्वैप, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो हो रहे हैं राइट. यहाँ से आप या तो पिक कर लें या फिर आप यहाँ से कलर पिकर से पिक कर लें इस तरह. ओके ये भी कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके यहाँ से भी पिक कर सकते हैं. ओके सो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे पिकर से यही पिक कर लेते, आई पिकर से हमने यही कलर पिक कर लिया और सेम गोज विद दिस वन. क्या करना है यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे जो क्रिएटेड है वो पिक कर लें या फिर आई ड्रॉप कलर पिकर से आप यहाँ से पिक कर लें या फिर यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं लाइक दिस. ओके सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट का. ठीक है ये तो हमने कलर चेंज करना बता दिया. अब यहाँ पे आप और ज्यादा ग्रेडियंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, जब आप यहाँ स्लाइडर पे आएंगे ना तो स्लाइडर से थोड़ा सा नीचे जाएं तो एरो के साथ आपको प्लस शो होगा, मींस आप यहाँ पे कहीं पे भी ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं. अब यहाँ पे सिंगल क्लिक किया तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड हो गया, अब यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड हो गया. ठीक है सेम इसका कलर चेंज करना है, हमने यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर दिया. कलर यहाँ पे हमने पिकअप पिक किया हुआ था ना तो हमने यहाँ से उसका कलर चेंज कर दिया. ठीक है वहाँ पे इसे सिलेक्ट करके डबल क्लिक करें तो यहाँ पे और ऑप्शन शो हो रही है. तो इस तरह से आपने क्या किया बेसिकली कलर चेंज करते थे. ओके और अब यहाँ पे ऐड करते हुए अब डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करने के लिए क्या करना है उसको सिलेक्ट करना है, जो भी आपने कलर रिमूव करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से डिलीट करते हैं. ओके अब इसको भी पिक करना है, या तो यहाँ से डिलीट करते या सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करते. ओके क्लियर है यहाँ तक. तो आपने यहाँ पे क्या करना है ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से यहाँ से. ऑलराइट क्लियर है सबको. अब और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया. अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल है ना तो आपने इसको वर्टिकल करना है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से वर्टिकल करके इस तरह सेट करते. क्या करना है यहाँ पे जब आएंगे ना आप इसके कॉर्नर पे यहाँ पे तो आपको एक कर्व शो होगा, तो यहाँ से आप इसे डायगनल भी इस तरह से सेट कर सकते हो, फिर यहाँ से पिक करके यू सेट करते हैं. ओके और यहाँ से भी इस तरह से रिमूव करते हैं. ओके शिफ्ट के साथ करेंगे तो एग्जैक्ट स्ट्रेट सेट होगा. ओके तो आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. ऑलराइट सो ग्रेडियंट भी हमारा हो गया है कवर. ठीक है यहाँ पे सेट कर दिया. अब जो हमने वर्क करना है ना वो सारा हमने स्ट्रोक पे करना है. ठीक है नाउ लेट्स क्रिएट अनदर रेक्टेंगल टूल, क्योंकि रेक्टेंगल से हमने ये रेक्टेंगल क्रिएट किया है. ठीक है एक और अब क्या करना है इसका, हम इसको यहाँ से स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है. तो एक तो हम क्या कर सकते हैं डबल क्लिक करके स्ट्रोक पे कर सकते हैं या सिंपली हम यहाँ से इसे स्वैप कर देते हैं. अब यहाँ से हमने स्वैप किया, इसका कलर चेंज करना है और यहाँ से हमने इसे स्वैप कर दिया. ठीक है अब स्वैप करने के बाद मैं आपको अगर शो करूँ, अभी आपको शो नहीं हो रहा राइट प्रॉपरली, आपको एक ग्रीन पार्ट शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है यहाँ से स्ट्रोक है इसका साइज हम इंक्रीज करते हैं. तो यहाँ पे देखिए अब आपको एक ये ब्लू सिलेक्शन शो हो रही है और उसके साथ जो स्ट्रोक है ना मीन्स जो शेप की आउटलाइन होती है वो शो हो रही है आपको राइट, डार्क ग्रीन और फिर एक ब्लू सिलेक्शन और डार्क ग्रीन मीन्स इट्स अ स्ट्रोक. ठीक है अब इस स्ट्रोक को आपने डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएं और फिर यहाँ पे डैश लाइंस पे क्लिक करें, तो क्या हुआ यहाँ पे आपके पास डॉटेड लाइंस हो गई. ठीक है और यहाँ पे आप इसकी चेंज भी कर सकते हैं किस तरह से आपने इसको मूव करना है. ठीक है अच्छा अब क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया स्ट्रोक में आप कर सकते हैं सारा वर्कआउट. ठीक है अब हम वापस से एक और लाइन क्रिएट करते हैं. ठीक है अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो लाइन सेगमेंट टूल है हमारे पास हेयर, ठीक है ये लाइन सेगमेंट टूल हम स्ट्रोक में वर्क करता है हमेशा. ठीक है तो हमने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है, तो लाइन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली माउस का सिंगल बटन क्लिक करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे. अब हमने इसको स्ट्रेट लाइन करना है, डायग लाइन नहीं करना, तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो, इवन जब मैं ऊपर नीचे भी कर रही हूँ तो वो स्ट्रेट है, बट जब मैं शिफ्ट छोड़ दूंगी
जब मैंने शिफ्ट छोड़ दिया तो अब वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। सो शिफ्ट प्रेस करना है आपने सिंपली, और अभी आपको यहाँ पे एक लाइन क्रिएट होगी। अब ये स्ट्रोक में है, डॉटेड है स्ट्रोक यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, डॉटेड को अनटिक कर देना, तो अब ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी आपके पास। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे जो लाइन्स के एजेस है ना हमारे पास, बेसिकली जो कैप्स हैं, ये देखें ये कैप और ये जो कैप है ये स्ट्रेट है, राइट। यू वांट टू कर्व इट, ठीक है, हमने कर्व करना है इसे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वापस से आपने लाइन को सिलेक्ट करके रखना है, फिर स्ट्रोक पे जाना है, यहाँ पे देखिए कैप्स शो हो रहा है आपको, ठीक है, इस पे यहाँ से आपने इसे कर्व कर दिया। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ है, अगर अब मैंने यहाँ से कर्व कर दिया ना, तो मैं जब डैश लाइन्स करूंगी तो वो भी देखिए उसकी डॉटेड भी कर्व है, उसके जो डैश है वो भी कर्व है। ये देखिए ये डैश डिफरेंट है और ये डैश डिफरेंट है, राइट। बेसिकली स्केच कर्व है बट स्केच कर्व नहीं है, तो इसलिए इस तरह की डैश और ये इस तरह का डैश है। ओके, सो एक इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब वापस से हम एक और लाइन क्रिएट करते हैं। ओके, इस तरह हमने ये लाइन क्रिएट की और इसका डैश को हम स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, आप चाहते हैं जो लाइन है इसके अंदर एरो आए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरो हेड्स हैं, तो यहाँ से आपने एरो हेड कर दिया एक साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे एरो हेड हो गया। आप उसका एंड क्रिएट कर लेते हैं एरो का, हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो उसका एंड भी शो हो गया राइट साइड पे, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, एरो क्रिएट कर लिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब वापस से हमने एक और लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ एक और लाइन क्रिएट की। अब हम चाहते हैं जो लाइन है स्ट्रेट है, ठीक है, हम चाहते हैं इसकी जो लाइन है इसकी जो डेप्थ है वो मिड में से इंक्रीज हो जाए, ठीक है, मीन्स मीड बीच में से थोड़ी सी मोटी हो जाए, उसकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो, तो क्या करना है हमने, इसके कंट्रोल प्लस करके मार्क कर देते हैं। कंट्रोल प्लस से हमने क्लिक किया एंड देन सिंपली सिंगल क्लिक करना है आपने, और फिर यहाँ पे आप स्ट्रोक में जाएं और यहाँ पे आपको प्रोफाइल शो, ठीक है, प्रोफाइल पे जब मैं क्लिक करूंगी तो यूनिफॉर्म मींस इट्स स्ट्रेट, बट अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगी तो वेथ वन है, दैट इज के अब वो बीच में से देखें, यहाँ पे भी आपको शोर है कि बीच में से डेप्थ इंक्रीज है, साइड से वो कम है, तो यहाँ पे भी वही हुआ है, देखें यहाँ से ज्यादा और यहाँ से वो कम हो जा रही है, राइट। सो इस तरह से आप डेप्थ भी उसकी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो लाइन की। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक का काम हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, दैट इज स्ट्रोक को हम सेंटर अलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम एक यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से उसका स्ट्रोक इंक्रीज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको शो करूँ जो स्ट्रोक, एक तो हमारे पास डार्क ग्रीन स्ट्रोक है, राइट, और जो हमारे पास ब्लू है दैट इज द सिलेक्शन। अब हमने यही देखना है कि जो इस सिलेक्शन है, अगर हम स्ट्रोक को सिलेक्शन के अंदर बाहर करें तो क्या होता, ठीक है। सो ये हमने स्ट्रोक को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, फिर हम यहाँ से जाते हैं स्ट्रोक पे और हमारे पास यहाँ पे अलाइन स्ट्रोक, ठीक है। अब इसमें जो हमें शो रहा है कि जो अलाइन स्ट्रोक है वो सेंटर में अलाइन हुई, ठीक है, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रोक को हम इनसाइड सेट कर देते हैं, मीन्स ये जो स्ट्रोक ये जो बीच में शो रहा है ये अंदर चला जाए और सिलेक्शन बाहर हो जाए। कैसे, हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें जो स्ट्रोक था वो सिलेक्शन के अंदर आ गया पूरा, वो बीच में सेट नहीं हो, पूरा अंदर आ गया, ठीक है। सेम गोज विद द अदर वन, दूसरे को किया तो अब वो स्ट्रोक बाहर चला गया, सिलेक्शन अंदर आ गई, ठीक है। अब इससे फर्क क्या होता है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसी की कॉपी ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक सर्कल है ना, स्क्वायर है सॉरी, इसकी मैंने और से दो और कॉपीज ले ली, ठीक है। अभी आपको पता चल रहा है कि मैं साइज तो इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं कर रही ना इसका बिल्कुल भी, इस टाइम सेम हमने क्या किया, इनकी कॉपी लिया और इनको हम बीच में सेंटर इस तरह से अलाइन कर दे, तो अब ये इक्वली सेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो आउटसाइड है, हम यहाँ पे स्ट्रोक को क्या कर देते हैं, इनसाइड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रोक को हम सेंटर में कर देते हैं,
इस तरह। तो यहाँ पे क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? साइज तो हमारा सेम था ना, तो यहाँ पे हमने सेंटर जब उसे अलाइन वगैरह किया तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे साइज चेंज हुआ है, ठीक है? यस, साइज के डिफरेंस है। तो जब हम पेन टूल सीखेंगे ना तो तब आपको आइडिया होगा कि हम सेंटर स्ट्रोक को सेंटर अलाइन या आउटसाइड या इनसाइड क्यों करते हैं, ठीक है? तब हम ट्रेसिंग सही से कर सकते हैं अगर हम स्ट्रोक को सेंटर या आउटसाइड अलाइन करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और इसका साइज हम अब खुद डिक्रीज कर देते ताकि हम स्ट्रोक के अंदर सेट कर सके। ऑलराइट, अच्छा, सो लास्टली हमारे पास अब रह गया टेक्स्ट, ठीक है? अब टेक्स्ट कैसे करना है? यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट आ गया, ठीक है? अब इस डमी टेक्स्ट को हम सिंपली बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे खुद से कुछ लिख लेते हैं। असाइनमेंट जैसे हमने लिख लिया, ठीक है, कैप से एक लिखा और फिर बाकी असाइनमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बात है, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक किया, डमी टेक्स्ट यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे आपके पास एक कैरेक्टर पैनल ओपन हो गया। ये भी ऑलरेडी था, ये भी ऑलरेडी था, राइट? ये हमारे पास कैरेक्टर पैनल ओपन हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे कैरेक्टर पैनल क्या करता है, ठीक है? यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट लिख लिया, अब हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल से हमने वो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है? फर्स्ट तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई स्ट्रोक चेंज करने, फॉन्ट चेंज करने, यहाँ से हमने फॉन्ट चेंज करनी है, देखें, ओके? यहाँ से आप कोई सा भी फॉन्ट ले सकते हैं इस तरह। ऑलराइट, तो ये फॉन्ट चेंज हो गया फर्स्टली। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास सेट द फॉन्ट साइज मीन्स हम यहाँ से इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमने इसका फॉन्ट इंक्रीज कर दिया साइज बेसिकली, ठीक है? ये जो टेक्स्ट बॉक्स वो खुद ब खुद क्रिएट हुआ, ये खुद ब खुद ओपन हो जाता है जब आप टेक्स्ट टूल यूज करते हैं, ओके? अगर नहीं हो रहा तो आप विंडोज पे जाके कर लें। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि अब साइज यहाँ से हमने फॉन्ट चेंज किया, यहाँ से हमने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया, अब ये नेक्स्ट किया है, ये हमारे नेक्स्ट है लाइन के बीच में स्पेसिंग, तो हमने यहाँ पे लाइन नहीं क्रिएट की हुई, तो हम यहाँ पे पहले लाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सिंपली सिंगल क्लिक किया, ठीक है, एंटर करना है तो न्यू लाइन क्रिएट होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं शेप्स, ठीक है? यहाँ पे अब क्या होगा, टू लाइन्स क्रिएट होगी। अब हम यहाँ पे मैं आपको शो करूंगी, तो यहाँ पे देखिए लाइन्स में स्पेसिंग हो रही है, राइट? सो आई विल प्रेफर कि आप इसे ऑटो रखें, तो जो विद क्या कहते हैं जो ऑटो तब कहते हैं ताकि जो आपकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल रहे, तो वो फॉन्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। जब आप फॉन्ट चेंज करते हैं ना तो फिर अकॉर्डिंगली स्पेसिंग लाइन के बीच में सेट हो जाती है, ओके? अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लेटर्स के बीच में स्पेसिंग, ये देखें, ठीक है? तो अक्सर जब हमने कुछ डिजाइन करना होता है, अपने फॉन्ट को भी डिजाइन करना होता, तब हम इनमें स्पेसिंग कर देते हैं इस तरह से, ओके? सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। हमने इसका एक ही सिंगल रखते हैं अभी, ठीक है? ये तो हमने इस टेक्स्ट को एडिट करना देख लिया, अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है कलर चेंज करने का, क्या था, फर्स्ट डबल क्लिक करके आप कलर चेंज कर दें, कलर चेंज हो गया, ठीक है? फिर कलर कोड से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर कोड से आप चेंज कर लें और आई ड्रॉपर टूल से चेंज कर लें इस तरह, ओके? क्लियर है आप सबको? सो हमने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से कलर चेंज कर दिया, ठीक है? और इसका साइज हम वैसे भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, तो विदाउट शिफ्ट करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, विद शिफ्ट ही अपना साइज इंक्रीज करना है, स्ट्रेच ना हो किसी का भी टेक्स्ट, ठीक है? अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे आती है, जब आप आई ड्रॉपर टूल शेप टू टेक्स्ट यूज करते हैं तो तब वो सिर्फ कलर पिक करता है, बट अगर आप आई ड्रॉपर टूल टेक्स्ट टू टेक्स्ट यूज करेंगे तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए मैंने एक और सिंगल ये क्लिक किया, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ये एक और ये एक हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट हमारे पास, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, हमने इस टेक्स्ट का फॉन्ट ये वाला रख लिया, ठीक है? सो अब यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज है, टेक्स्ट भी चेंज है, साइज भी चेंज है, ठीक है? सो व्हाट आई वांट इज कि ये जो टेक्स्ट मैं चाहती हूँ इस सारी जो इसमें क्वालिटीज है वो सारी इसमें आ जाए, तो क्या करना है, आपने इस शेप को सिलेक्ट करना है और फिर आई ड्रॉपर टूल से इसका क्लिक करना है, तो वो सारी क्वालिटीज पिक कर लेगा। यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटीज उसने पिक की है, कैन यू टेल मी?
कि क्या क्या पिक हुआ है टेक्स्ट टू टेक्स्ट जब आप आईड्रॉपर टूल यूज करते हैं. साइज फॉन्ट कलर एग्जैक्टली. ओके सो जस्ट साइज भी पिक कर लिया, फॉन्ट भी पिक कर लिया और कलर भी पिक कर लिया. ये तभी होगा जब आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट यूज करेंगे. ओके जब आप टेक्स्ट टू शेप यूज करेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ कलर पिक करेगा. ठीक है बट जब आप टेक्स्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो वो ओवरऑल सारी क्वालिटीज पिक करेगा. अब अगर मैं देखें, अगर मैं इस फॉन्ट को नीचे लेके जाती हूँ और मैं स्ट्रोक से साथ पिक करती हूँ तो देखिए तब क्या होता है. ठीक है ए, अब मैंने यहाँ पे लेके आई टेक्स्ट को. ठीक है और अब मैं यहाँ से ये स्ट्रोक पिक कर ली तो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, उसे स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दी. ठीक है सो सेम गोज, ये जब शेप टू शेप फिल शेप करेंगे तो फिल पिक करेगा, फिल कलर पिक करेगा. जब आप टेक्स्ट टू स्ट्रोक करेंगे तो स्ट्रोक पिक करेगा. ठीक है क्लियर है आप सबको. सब आपने अपनी लेबलिंग भी ऐसे ही करनी है. ओके जो मेन हेडिंग होगी उसका साइज इंक्रीज होगा, उसे बोल्ड भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं साइज. ठीक है बोल्ड अगर करना है तो यहाँ पे आपके पास अक्सर जो हमारे पास फॉन्ट्स होते हैं उनमें फैमिली भी साथ होती है. जैसे एक ये फॉन्ट है हमारे पास, ठीक है ये एक फॉन्ट है. ठीक है इसकी यहाँ पे फैमिली भी शो होगी हमें अक्सर फॉन्ट्स की इस तरह. ये देखें यहाँ से आप इसे बोल्ड इटैलिक ये सब कर सकते हैं. ठीक है अच्छा अब आपने क्या करना है, जब आपने लेबलिंग करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो लेबलिंग है उसका एक तो मेन हेडिंग है उसका तो साइज फॉर श्योर इंक्रीज होगा, वो बड़ा साइज होगा क्योंकि वो मेन हेडिंग है. बट आपने जो नेक्स्ट आपने लेबलिंग करनी है आपने उस सारी लेबलिंग के साइज इक्वल होने चाहिए. ठीक है एक तो ना तो वो स्ट्रेच हो, आपने शिफ्ट के साथ उनका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है और लेबलिंग आपकी फिर वो इक्वल होनी चाहिए, ना फॉन्ट चेंज हो ना साइज चेंज हो. जैसे आप मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लेती हूँ शेप्स शेप. ठीक है अब यहाँ पे ये मैंने एक शेप लिखी. ठीक है अब क्या करना है, आप या तो इसी की कॉपी लेके यहाँ पे सेट करें और फिर इसको चेंज कर दें. अब ये शेप था, अब यहाँ पे हमने शेप वन कर दिया इसे. ठीक है तो आपने क्या करना है, शेप जो है वो सेम होनी, साइज सेम होना चाहिए, कलर भी सेम होना चाहिए लेबलिंग का. ठीक है अगर सेम नहीं भी है तो आप क्या करें, साइज जैसे ये देखें इंक्रीज है ना तो आपने आई ड्रॉपर टूल से इसका साइज इक्वल कर देना इस तरह. ठीक है और यहाँ से आपने सेटिंग, इसकी सेटिंग अरेंजमेंट जैसे अरेंज किया भाई ये वैसे ही अरेंज करना है, इसको अरेंज वापस से कर लें. साइड पे मार्जिन भी आपने प्रोवाइड करनी है. ठीक है इसका साइज इस तरह से इंक्रीज करते हैं, मैं यहाँ पे सेट कर दिया. ओके तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को, सेम हमने सेम वैसे ही करने जैसे हमने क्यूब वाली असाइनमेंट को किया था. ठीक है अब क्यूब वाली हमने कैसे की थी, फाइल्स पे गए थे, स्ट्रोक एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन और पीएनजी सिलेक्ट किया हुआ था. यहाँ से आपने आर्टबोर्ड का नेम भी चेंज कर दिया, लोकेशन सेट करें एंड देन एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड. सो क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास सेव हो गई. ओके अगर कुछ स्टूडेंट्स की ब्लैक में सेव हो रही है तो क्या करना, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ब्लैक में सेव हो रही हो ब्लैक बैकग्राउंड में तो आपने खुद बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देना इस तरह से. आपने ओवरऑल स्क्वायर क्रिएट करना है. ठीक है और फिर इसके अंदर क्या करना है, वाइट कलर फिल कर देना है और फिर राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक और फिर आप सेव कर दें, फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन एंड देन पीएनजी सेव एक्सपोर्ट. अभी आपका सेव हो जाए. ओके एनी कंफ्यूजन हियर, यस आई विल सेंड द सैंपल ऑफ दिस असाइनमेंट. ओके मैं ग्रुप में आपको सेंड करती हूँ, रिकॉर्डिंग में मैं सेंड कर दूंगी, वॉइस नोट भी मैं सेंड करूंगी और सैंपल भी सेंड कर दूंगी. आपने सैंपल को देख के ही असाइनमेंट क्रिएट करना है. ओके और किसी ने ये ना हो कि ये रेड हो, ये येलो हो, ये ब्लू हो, सबने एक ही मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज करनी. ठीक है मीन्स आपने रेड की ओवरऑल कलर मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज कर दी, ब्लू की ओवरऑल मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज कर दी, पर्पल की ओवरऑल मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज कर दी. ठीक है सो आपने इस तरह से, अब जैसे यहाँ पे मैंने सी ग्रीन की यूज की हुई है ना तो आपने भी इसी तरह से कोई सा एक कलर पिक करना है, उसकी मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज करनी. ओके और सारी चीजें जो मैंने आपको बताया आपने उन सब चीजों का ध्यान रखना. ये सब ग्रुप में मैसेज कर सकते जो आपको कोई इश्यू आया तो. ओके ग्रुप बना ही इसलिए कि आपको आपकी क्यूरी सॉल्व हो, तो तभी होंगे ना जब आप खुद असाइनमेंट क्रिएट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज कहाँ पे आप मिस्टेक करें, क्या चीज आपसे कवर अप नहीं हो. ओके
अभी तो लेक्चर आप देख ले रहे हो तो आपको सब सब एग्जैक्टली आपको सही लग रहा है, क्योंकि सब बिकॉज आई नो कि कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो मैं वो मिस्टेक नहीं करी, बट फिर भी जब हो जाती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मेरे से यार ये मिस्टेक ना हो जाए. ठीक है, सो यही बात होती है जब आप खुद क्रिएट करने लगेंगे, तो आप खुद जब मिस्टेक करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा ये मैंने मिस्टेक की तो इसको मैं इस तरह से सही कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ. ओके ऑलराइट, सो सबको असाइनमेंट क्लियर है. यू हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट टिल नेक्स्ट वीक. ओके, फॉर दोज हु हैव डाउनलोडेड द इलस्ट्रेटर. ऑलराइट, एनी क्यूरी इन दिस असाइनमेंट? अच्छा, आपने याद से इसकी सोर्स फाइल सेव करनी है. ओके, क्या करना है, फाइल्स पे जाना है, सेव एज पे जाना है, और फिर इसे सेव करनी है इसकी सोर्स फाइल याद से. ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको जब आप हम आपको बता आप जब अपनी असाइनमेंट सेंड करोगी तो हम मिस्टेक्स निकालेंगे या आपको बताएंगे कि आप यहाँ से सही करो, तो आपको इन ऑर्डर नॉट टू क्रिएट द होल असाइनमेंट अगेन, तो आप सिंपली अपने वो सोर्स फाइल ओपन करेंगे और वो जो अपनी मिस्टेक है उसे सही कर लेंगे. ओके, सो याद से आप अपनी सोर्स फाइल सेव करके रखिएगा लैपटॉप में, ताकि जब हम आपकी असाइनमेंट रिव्यू करें तो आप अपनी असाइनमेंट सही करके दोबारा सेंड करनी है आपने. ठीक है, अगर आपकी मिस्टेक हुई हमने आपको बताया, आपने फिर वो सेंड करनी है दोबारा. ओके, एवरीवन इज क्लियर नाउ? ओके, सो एनी अदर क्यूरी? यस, लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बिफोर 12. ओके, अच्छा जो रिकॉर्डिंग है वो तब तक रिमूव नहीं होगी जब तक आपका कोर्स चल रहा है. ठीक है, कोर्स के खत्म होने के बाद भी इट माइट बी देयर फॉर 1 or 2 month, क्योंकि हमारी जो ड्राइव है वो फेल हो जाती है, सो हम प्रीवियस से डिलीट करते रहते हैं. सो आई वुड प्रेफर कि जो जो आपके पास आ रही हैं रिकॉर्डिंग्स, आप उनको अपने पास डाउनलोड करके रख लें, या USB में रख लें, या फिर आप अपने लैपटॉप में रख लें, या PC में डाउनलोड करके अपनी ही ड्राइव में अपलोड कर दें, दैट्स फाइन, क्योंकि तब तो आपके पास ज़्यादा स्पेस का भी इशू नहीं होगा, तो अपनी गूगल ड्राइव पर अपने लेक्चर्स अपलोड कर लें. ओके, सो आई वुड प्रेफर कि वो अपने पास है, ताकि आपके पास वो सेव रहे, इवन हम अगर डिलीट भी करते हैं बैक से. ओके, so everyone is clear now? All right, so I will send you the assignment and everything, samples and everything. All right, so take care of yourself. Allah Hafiz.